दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, स्वागत किया जाता थोड़ा हेल्थ एडवांस टिप चैनल दे विच। बहुत सारे दोस्तों वालों लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे सी कि वजन घटाने बारे वेट लॉस करने बारे वीडियो बनाओ। अज तुहाडे लई लैके आया एक वजन घटाने वेट लॉस करने वाली नवी वीडियो। अगर तुसी सुबह दियां 6 आदतां अपना सकते हो तो तुहाडा वेट वधी हुई चर्बी आसानी नाल घट कर सकते हो। आओ वीडियो शुरू करते हैं। सुबह दियां ओह केड़ियां 6 आदतां हन जिन्हां नूं तुसी अपना के अपना वेट आसानी नाल घटा सकते हो, वधी हुई फैट नूं खत्म कर सकते हो अते अपने शरीर की सुंदरता वापस तो बरकरार रख सकते हो। बहुत सारे लोग भार घटाना चाहते हैं लेकिन उन्होंने कोई डाइटिंग करने का टाइम नहीं है तो ना सुबह एक्सरसाइज रनिंग करने का टाइम है तो ना ही वो सुबह सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और घर तो सारा दिन बाहर रहते हैं। अगर तुसी भी इन सारिया समस्या तो परेशान हो अपना वेट घटाना चाहते हो तो लिए वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में तुम्हें दसांगे असी कि सुबह दियाँ केड़ियाँ 6 आदतां चेंज करने तो बाद तुसी अपना वेट आसानी नाल घटा सकते हो। गर्म पानी सुबह उठने तो बाद तुसी अपने किचन दे विच जाके हल्का जिहा गुनगुना पानी करके एक गिलास दे विच पा के गर्म पानी नूं हौली हौली सिप सिप करके पानी नूं पीओ। इस तरह गर्म पानी पीण दे नाल तुहाडे शरीर दे टॉक्सिन शरीर के विचों बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे अते तुहाडी वधी हुई फैट घटनी स्टार्ट हो जाएगी जिस नाल तुहाडा भार जल्दी ना घटना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए दिन की शुरुआत गर्म पानी तो करो। सुबह की चाह की बजाए तुसी नींबू गर्म पानी अते शहद वाला पानी पी सकते हो। यह पानी बनाना बिल्कुल आसान है। एक गिलास हल्का जिहा गर्म पानी करो, उस विच अद्धा नींबू मिलाओ अते एक चम्मच शहद मिलाओ। उन्हों चंगी तरह घुलण तो बाद किसी जगह पर बैठ के घुट्टा आराम नाल घुट भर भर के पानी का पियो। अजिहा करन दे नाल नींबू अते शहद वाला पानी शरीर नूं डिटॉक्स करन दा काम करता है, साडा डाइजेशन सिस्टम ठीक रखता है जिस नाल साडी वधी हुई फैट ज़्यादा चर्बी घटनी स्टार्ट हो जाती है तो साडा वेट वधिया होया भार आसानी नाल घटना स्टार्ट हो जाता है। सुबह सुबह की धुप शरीर लिए बहुत ही ज़्यादा वधिया होती है क्योंकि धुप के विटामिन डी होता है जो हड्डियां हैल्दी रखता है अते साडे मेटाबोलिज़म सिस्टम नूं ठीक रखता है। तुसीं सुबह सुबह धुप्पे बैठ के योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो जां लेट सकते हो। अजिहा करन दे नाल तुसीं लगातार करन दे नाल तुहाडा वेट घटना स्टार्ट हो जाएगा। रनिंग एक्सरसाइज योगा जरूर करो। सुबह सुबह घट तो घट 15 मिनट अते वध तो वध 1 घंटा रनिंग योगा जां एक्सरसाइज जरूर करो। अजिहा करन दे नाल तुहाडा शरीर दा वेट आसानी नाल घटना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि सुबह रनिंग करन दे नाल फ्रैश ऑक्सीजन मिलती है। हरी घाह ते चलण दे नाल दिमाग रिलैक्स रहिंदा है। इस नूं तुसीं होर भी इंट्रस्टिंग बनाउण वास्ते इंट्रस्टिंग करन वास्ते हफ्ते विच एक दिन साइकलिंग करो, एक दिन योगा करो, एक दिन रनिंग करो, एक दिन वाक करो, एक दिन तेज चलो अते एक दिन हल्की फुल्की एक्सरसाइज करो। अजिहा करन दे नाल तुहाडे शरीर दा वेट आसानी नाल घटना स्टार्ट हो जाएगा। हैल्दी ब्रेकफास्ट करो। तुसी लाइफ दे विच किन्ने भी बिजी हो लेकिन अपना ब्रेकफास्ट करना कदे ना छड्डो। ब्रेकफास्ट ना करना भार घटाउण दा सही तरीका नहीं है बल्कि हैल्दी ब्रेकफास्ट करना भार घटाउण दा सही तरीका है। तुसी अपने ब्रेकफास्ट दे विच ज़्यादा प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट करो जिस तरह कि दलिया, उपमा, उबले हुए अंडे, शक्करकंदी जो हुण सर्दियों विच आराम नाल मिल सकती है, सेब, पपीता, अजिहियां चीज़ां खाओ जिस नाल तुहानूं प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। अगर तुसीं इह सारियां चीज़ां खाते हो तो तुहानूं पूरा दिन शरीर नूं एनर्जी भी मिलेगी और तुहाडा शरीर पूरा दिन एक्टिव भी रहेगा। तुसीं सुबह सुबह
ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਰਹੂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਟਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਹਾ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧਦੇ ਵੇਟ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵੇਟ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ 6 ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਹੈਲਥ ਐਡਵਾਂਸ ਟਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਾਏ ਬਾਏ। ਜੈ ਹਿੰਦ।